दोस्तों आप देख रहे हैं 2400 वर्ड्स की वीडियो सीरीज जिसका कि ये पांचवा भाग है। इस वीडियो में आप 401 से 500 वर्ड्स के बारे में देखेंगे। उन 100 वर्ड्स के स्पेलिंग, उसके उच्चारण और उसके हिंदी में अर्थ क्या होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको 400 वर्ड्स की सीरीज और 1000 वर्ड्स की सीरीज भी मिलेगी। उन वर्ड्स से ये वर्ड पूरे अलग हैं, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इसलिए अगर आप वो वर्ड्स देख रहे हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं। जितना ज्यादा आप वर्ड्स को देखेंगे उतना ही आपका वर्ड पावर मजबूत होगा और आप इंग्लिश उतनी ही फ्लुएंटली बोल पाएंगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। FIFTH फिफ्थ, फिफ्थ का मतलब होता है पांचवा। CONSTANTLY constantly का मतलब होता है निरंतर। ENTERPRISE enterprise का मतलब होता है उद्यम। उद्यम का मतलब हम कह सकते हैं कि कोई कंपनी है या फिर कोई ट्रेडिंग करने वाली कोई कंपनी है तो उसे भी हम एंटरप्राइज कह सकते हैं। एक व्यापार का नाम होता है एंटरप्राइज। TESTING टेस्टिंग का मतलब होता है परीक्षण करना। किसी चीज को अगर हम जांचते हैं तो उसे हम टेस्टिंग कहते हैं। STOMACH स्टोमच का मतलब होता है पेट। APPARENT apparent का मतलब होता है स्पष्ट। WEIGHT weight का मतलब होता है वजन। INSTALL install का मतलब होता है स्थापित करना, जमाना या फिर लगाना। SENSITIVE sensitive का मतलब होता है संवेदनशील। SUGGESTION suggestion का मतलब होता है सुझाव देना। MAIL मेल का मतलब होता है ईमेल। जब हम कंप्यूटर से लेटर जब हम किसी और के कंप्यूटर में भेजते हैं तब हम उसे मेल कहते हैं। आजकल ये चीज़ें मोबाइल से भी होती हैं। RECIPE रेसिपी का मतलब होता है विधि। RESONABLE रीजनेबल का मतलब होता है उचित या फिर इसे हम व्याजबी भी कहते हैं। PREPARATION प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना। WOODEN वुडन का मतलब होता है लकड़ी का। कब जब कोई चीज जब लकड़ी की बनी होती है तो उसे हम कहते हैं ये वुडन है। ELEMENTARY एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक। CONCERT कंसर्न का मतलब होता है कार्यक्रम। AGGRESSIVE अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। FALSE फेल्स का मतलब होता है असत्य। INTENTION इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। CHANNEL चैनल का मतलब होता है प्रणाली। EXTREME एक्सट्रीम का मतलब होता है चरम सीमा। PROTEIN प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन। QUIT क्विट का मतलब होता है छोड़ना। ABSENCE absence का मतलब होता है अनुपस्थिति, मतलब कि जब हम अनुपस्थित रहते हैं
जब हम कहीं पर जैसे इस क्लास में अगर हम नहीं जाते हैं तो हम एब्सेंस कहे जाते हैं, उस तरह का ये अनुपस्थिति है। LATIN लैटिन की ये भाषा है, इसे हम लैटिन कहते हैं। RAPIDLY रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है तेजी से। JAIL जेल, जेल का मतलब होता है बंधन ग्रह। DIVERSITY डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। HONEST ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। PACE पेस, पेस का मतलब होता है गति। EMPLOYMENT एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। SPEAKER स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता। IMPRESSION इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। ESSAY ऐसे, ऐसे का मतलब होता है निबंध। RESPONDENT responded, responded का मतलब होता है प्रतिवादी। HISTORIAN हिस्टीरियन, हिस्टीरियन का मतलब होता है इतिहासकार। NEGOTIATE नेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब होता है खरीद फरोख्त, मतलब कि नेगोशिएशन का मतलब एक ये भी होता है कि किसी चीज़ को जो हम लेते समय उसके भाव को कम करवाते हैं तब हम उसे नेगोशिएट कहते हैं कि हमने उस भाव को नेगोशिएट करवाया है। रेस्टोर, RESTORE रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना, मतलब कि जैसा पहले था वैसा का वैसा फिर से करना, किसी चीज़ को हम रिस्टोर करते हैं मतलब कि पहले जैसा था वैसा का वैसा हम उसे रिस्टोर कर रहे हैं। SUBSTANTIAL सबस्टेंशियल, सबस्टेंशियल का मतलब होता है ठोस। SPECIALIST स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। अगर कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में विशेष कार्य करता है तो उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं, उसे हम उसका स्पेशलिस्ट कहते हैं। ORIGIN ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है मूल। APPROVAL अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। QUIETLY क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप। ADVISE एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। CONVENTIONAL कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक। DEPTH डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई। WEALTH वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है धन। DISABILITY डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता। SHELL सेल, सेल का मतलब होता है खोल। CRITICIZE क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, किसी के बारे में निंदा करना। EFFECTIVELY इफेक्टिवली, इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावी रूप से। BIOLOGICAL बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक।
ONION ओनियन, ओनियन का मतलब होता है प्याज। DEPUTY डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है डिप्टी, हिंदी में भी इसे डिप्टी ही कहते हैं। BRAND ब्रांड, ब्रांड का मतलब होता है ब्रांड, हिंदी में भी इसे हम ब्रांड ही कहते हैं। ASSURE एश्योर, एश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। MAD मेड, मेड मतलब होता है बनाया गया। CRITERIA क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड। DEALER डीलर, डीलर का मतलब होता है विक्रेता। VIA वाया का मतलब होता है के जरिए। हम इसे ऐसे भी कहते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे वाया कोयम्बतूर हो करके, मतलब कि हम दिल्ली जा रहे हैं लेकिन कोयम्बतूर होते हुए जा रहे हैं, उसे हम वाया कहते हैं। UTILITY यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। PRECISELY प्रिसाइसली, प्रिसाइसली का मतलब होता है ठीक। ARISE एराइज, एराइज का मतलब होता है उठता। ARMED आर्मड, आर्म का मतलब होता है हथियार बंद। NEVERTHELESS नेवर्थलेस, नेवर्थलेस का मतलब होता है फिर भी। HIGHWAY हाईवे, हाईवे का मतलब होता है राजमार्ग। CLINICAL क्लिनिकल, क्लिनिकल का मतलब होता है रोग विषयक। RUTINE रूटीन, रूटीन का मतलब होता है सामान्य। WAGE वेज, वेज मतलब होता है वेतन। NORMALLY नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब होता है सामान्य रूप से। INGREDIENT इंग्रीडियंट, इंग्रीडियंट का मतलब होता है घटक। STAKE स्टेक, स्टेक का मतलब होता है दांव। FIBER फाइबर, फाइबर का मतलब होता है रेशा। ACTIVIST एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता। ISLAMIC स्लामिक, स्लामिक का मतलब होता है स्लामी, हिंदी में भी इसे स्लामी कहते हैं। SNAP स्नैप, स्नैप का मतलब होता है पलक झपकते ही। TERRORISM टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब होता है आतंक। REFUGEE रेफ्यूजी, रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। INCORPORATE इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है सम्मिलित। HIP हिप, हिप का मतलब होता है कमर। ULTIMATE अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है परम। CORPORATION कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है निगम। VALUABLE वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान। ASSUMPTION अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब होता है कल्पना करना। GEAR गियर, गियर का मतलब हिंदी में भी हम इसे गियर ही कहते हैं। BARRIER बैरियर, बैरियर का मतलब होता है अवरोध।
MINOR माइनर, माइनर का मतलब होता है नाबालिग। PROVISION प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। KILLER किलर, किलर का मतलब होता है हत्यारा। ASSIGN असाइन, असाइन का मतलब होता है सौंपना। GANG गैंग, गैंग का मतलब होता है गिरोह। DEVELOPING डेवलपिंग, डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित होना। CLASSIC क्लासिक, क्लासिक का मतलब होता है शास्त्रीय। TEEN तीन, तीन का मतलब होता है किशोर। INDEX इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है सूची। VACATION वेकेशन, वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी। EXTRAORDINARY एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। HEAVEN हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। ROUGH रफ, रफ का मतलब होता है असभ्य। दोस्तों मुझे पता है कि आज के इस वीडियो में थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस आवाज में रहेगी, क्योंकि मैं ऐसी जगह से वीडियो बना रहा हूँ कि जहाँ पर मैं साउंड प्रूफ अपने कमरे को नहीं रख पा रहा था, उसके लिए सॉरी। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले गुरुवार को ठीक 7 बजे। बाय।